हे गाइस, सो फाइनली आज मैंने अपने बालों के केयर के लिए टेराकाशिया से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे जो कि शादी में जाने के बाद मुझे रिसीव हुए और फाइनली आज मैं इनको अपने बालों पे लगा रही हूँ। तो पहले मैंने अप्लाई कर लिया अपने बालों के ऊपर हेयर ऑयल जो कि टेराकाशिया का है। इसके साथ ही इन्होंने नॉब भी दिया है जिससे हेयर में ऑयल अच्छे से लगा सकते हैं हम, तो मैंने भी अप्लाई किया और ये ऑयल प्रॉपरली एनरिच्ड है। सो फाइनली मैंने बालों में ये ऑयल अप्लाई कर लिया और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, वेरियस टाइप ऑफ ऑयल्स इसके अंदर मिक्स्ड है एक ऑयल के अंदर ही। तो मैंने इसको 1 आवर के लिए बालों में अप्रॉक्सीमेटली लगाया था और उसके बाद मैंने इवनिंग के टाइम पे लिया बालों को। गाइज़, मैंने बालों पे ये ऑयल अप्लाई कर लिया है और इसको थोड़ी देर मैं बालों पे रहने देती हूँ। उसके बाद अब मैं हेयर बाथ लूँगी और शैम्पू भी मैं टेराकाशिया का ही यूज़ करूँगी एंड सीरम भी, तो वो भी आपको मैं रिव्यू में दिखाऊँगी। और कल मुझे किसी स्पेशल जगह जाना है जिसके लिए मैंने आज पहले से ही बालों पे ये कंडीशनिंग कर ली है और फिर शिमला भी जाना है, तो ये सारा जो भी होगा वो मैं आगे आपको ब्लॉग्स में देख ही सकते हैं आप। तो बालों को मैंने अच्छे से शैम्पू किया उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के बाद, और शैम्पू लगाने के बाद मैंने अच्छे से फिंगर से अपने बालों की मसाज करी और हेयर्स पे भी हर जगह शैम्पू अप्लाई कर दिया फिंगर टिप्स के साथ। तो अब इसके बाद गाइस, मॉर्निंग में मैंने जाना था दिल्ली, जबकि दिल्ली जाते हुए मैंने सीरम भी अपने बालों में अप्लाई कर लिया और बालों को उसके बाद ही कॉम किया। गाइस, आप भी गीले बालों को कॉम मत किया कीजिए क्योंकि हेयर फॉल ज़्यादा होता है अगर हम गीले बालों को कॉम करते हैं। तो बालों को सूखने के बाद मैंने टेराकाशिया का सीरम अप्लाई किया एंड मैं फाइनली अपने ऑफिस चली गई। बाय बाय गाइस।